हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज गार्डनिंग में। ये देखिए, गार्डन सारा वैसा ही है जैसा मैंने सेट किया था। आज मैंने इन पे भी, इनको जो सूख गए थे उनमें पानी दे दिया है। दो दो तीन तीन दिन बाद पानी देना पड़ रहा है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है इस वजह से। और फिर भी कोई ना कोई पॉट, वो सीजनल प्लांट ना भीगे इस चक्कर में रह ही जाते हैं। ये देखिए, इसमें भी मुझे अलग से पानी देना पड़ेगा कि इसकी ओट में है, उधर से छुप गया। ये दो प्लांट में अभी देंगे पानी और आपको मैं अपडेट भी दूंगी जरबेरा प्लांट की। देखिए इसमें जो है, ये देखिए, इसमें एक ही प्लांट था, ये दो प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये देखिए, एक ये बर्ड आई और एक ये छोटी सी आ रही है। इनमें भी बर्ड्स तो नहीं आई हैं पर किल्ले आने लग गए हैं नए नए। मैंने खाद डालने के बाद, ये देखिए, जो फर्टिलाइजर दिया था उसके बाद का ये हमारा रिजल्ट है। और अभी हम क्या करें, अपने जो सीजनल प्लांट हैं इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं, पर हमने ज़्यादा नहीं लगाई। हमारे जो प्लांट जैसे कटिंग टूट जाती है, या फिर मैं ट्राई करती हूँ, मेरी आदत है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रायल लेती रहती हूँ कि देखें ये काम मेरे से होगा कि नहीं। इस वजह से मैं जो हूँ कटिंग थोड़ी थोड़ी सी लगाती हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं इतनी कटिंग लगाऊं, और मैं अगर कटिंग लगाऊं तो मैं रखूं कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और प्लांट की एक डाल भी मुझे फेंकने में बहुत ही कष्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे नहीं फेंक सकती इसलिए। लेकिन जो भी मेरे से, मुझे जैसे लगता है कि हाँ इसका मेरे पास और प्लांट हो जाए, तो उसी की मैंने कटिंग लगाई है। देखिए, डहेलिया की कटिंग से ही मैंने ये सारे डहेलिया तैयार किए हैं। तो आप अगर चाहते हैं देर तक ब्लूमिंग हो आपके यहाँ, तो आप अभी भी डहेलिया की कटिंग लगा सकते हैं। और ये पिटूनिया की भी कटिंग आप लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग आसानी से चल जाती है। और ये देखिए, मैंने इसकी भी कटिंग लगाई थी, कहीं दिखाएं आपको, ये देखिए मैंने किसी की कटिंग लगाई है, शायद गजानिया है। और ये जो है, मैंने कटिंग से ही गजानिया ग्रो किए हैं। ये देखिए, जैसे साइड से, जैसे बहुत ये जब घना हो जाता है तो आप साइड से ये वाला जो है आप लेके अलग से इसको लगा सकते हैं, ये आसानी से चल जाते हैं। ये देखिए, तीन और ये दो, पांच प्लांट ये हमारे तैयार हैं। और ये जैसे कभी कभी टूट जाते हैं, मैं तो भी नहीं फेंकती, ये छोटा सा टूट ही गया था तो मैंने ये इसमें लगा दिया। कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जरा सा भी टूटे तो आप उसकी कटिंग जरूर लगाएं। ये देखिए, ये मुझसे फूल हटाते समय टूट गई थी ये पिटूनिया की, तो ये भी मैंने लगा दी है। कि फेंकने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। इस तरह से विंटर्स के जितने भी प्लांट हैं वो आप कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे अलाइसम की सीडलिंग है, जो हमने शीट से ग्रो किए थे, वो मैंने थोड़े थोड़े निकाल निकाल के हर जगह मैंने लगा दिए, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे इस वजह से। डॉग फ्लावर की भी का कटिंग चल जाती है, इसकी भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, नीचे से आप ले लीजिए ब्रांच और उसको लगा दीजिए। ये देखिए, ये हमारे गेंथस हैं, इनकी मैं जैसे ये बर्ड हटाती हूँ तो इसी में वो, इसमें की टूट गई थी, तो इसका फ्लावर मुझे बहुत पसंद है।
तो मैंने फेंका नहीं, और मैंने ये देखी यहाँ पे सिंगल था उसको मैंने ये लगा दिया। अब देखिए साइड से नया किला भी आने लग गया है, और ये अभी तक ये ग्रीन है, एक ये मैंने लगा दिया है। और ये पता नहीं मैंने किसकी कटिंग लगाई थी, चल गया है शायद, वो बलबीना की है। ये देखिए नए नए किले भी आने लग गए हैं इसमें। और कोलियस की कटिंग तो हर समय आप लगा सकते हैं, इसमें हर समय ही ये कटिंग ग्रो हो जाती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कैसे, ये देखिए मैंने पिटूनिया की कटिंग लगाई थी, देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो गई है, फ्लावर्स भी खिल गए हैं, ये देखिए। और ये वो उधर कोने में गजानिया है, जैसे हम बर्ड्स वगैरह तोड़ते हैं या कुछ गुलाई करते हैं या कोई जो भी कटिंग कट जाए तो उसे फौरन फेंकने से अच्छा है लगा लें। तो ये देखिए हमारी कटिंग्स इसमें भी हैं। और ये देखिए हम जहाँ जो पाते हैं कटिंग को अपना लगा देते हैं, जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से हो जाए। और हम ये इसकी गुलदाउदी की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, अगर आपके फूल स्पेंड हो गए हैं तो उनको कट कर दीजिए और दोबारा से कटिंग लगा दीजिए, तो दोबारा से आपके गार्डन में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और हम इसकी भी, ये जो पेंजी है इसकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए अलग से आपको ये मतलब दिख रहे हैं ना, ये चीज़ यहीं से आप निकालिए और यहीं से लगाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा इसको रेत में लगाइएगा, ज़्यादा वाटरिंग नहीं कीजिएगा, मतलब भर का बस वाटरिंग कीजिएगा और ये आसानी से सारी कटिंग्स जो हैं, ये विंटर्स की सीजनल प्लांट की कटिंग है जो मैंने खुद लगाई है, वही आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। जो मैंने कटिंग्स नहीं लगाई है वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए इसकी भी कटिंग बिगुनिया की, ये देखिए चल गई है ये अच्छे से, ये देखिए नीचे से भी किले आने लग गए हैं। तो इस तरह से आप बिगुनिया की भी कटिंग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी, इसकी लीव्स खूबसूरत और ये भी खूबसूरत, फ्लावर्स भी सभी कुछ खूबसूरत है। तो बस यही छोटी सी शेयरिंग आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।